So children, we had started with assets yesterday. Assets के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था. Assets जो होते हैं, they are of two types. Number one is organic assets, जो natural assets हैं. Like we used to take daily, like lemon juice पीते हो, then vinegar, then curd, fruits, citrus fruits जितने भी होते हैं उसमें citric acid होता है. इमली में एसिड होता है, ठीक है. तो ये ऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं. ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा मैंने आपको एक और एसिड्स करवाए थे, दैट वी कॉल इट एज मिनरल एसिड्स, ठीक है. मिनरल एसिड्स दे आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज to perform various experiments. ये हमारी लेबोरेटरी में भी आपको मिल जाते हैं easily to perform various experiments. Does few of you remember the name? First basic concept आया था HCA, यानी कि hydrochloric acid. H2SO4 represents sulfuric acid. HNO3 it represents नाइट्रिक एसिड. बेटे अगर आप सब ध्यान से इस एसिड्स में देखते हो तो व्हाट यू गाइस विल ऑब्जर्व, यू गाइस विल ऑब्जर्व अ सिमिलैरिटी. इन सारे एसिड्स में एक सिमिलैरिटी है. क्या आप लोग बता सकते हो सिमिलैरिटी क्या है? यस, यू कैन टाइप. दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ एच. एच मीन्स हाइड्रोजन. सबके पास हाइड्रोजन है या नहीं? करेक्ट बेटा. और एसिड्स जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, एसिड्स के पास हाइड्रोजन होती है और जब वो रिएक्ट करते हैं, जब वो एक्शन करते हैं तो यही हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है. ये होते हैं हमारे एसिड्स. और उसके बाद लेबोरेटरी एसिड्स को हमने फर्दर दो तरह के एसिड्स बनाए थे. लेबोरेटरी एसिड्स एक हमने बनाए थे डाइल्यूट एसिड्स, दूसरे हमने बनाए थे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स दे आर दोज एसिड्स दैट आर हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लेसर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है. हायर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, लेसर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? दे हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जिनमें बहुत ज्यादा पानी, ठीक है. और जब आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, मैंने तब भी आपको बताया था कि आपने बहुत सारा पानी लेके उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करना है. एसिड में कभी भी पानी नहीं डालते बेटे, ये चीज का ध्यान रखना. पानी में एसिड डाल के उसको डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट एसिड्स. बट बिफोर फाइंडिंग इट आउट आई वॉन्ट टू डिस्कस one or two acids that we can found in our body. क्या हमारे body में भी कोई acid होता है? Yes, each and every cell of our body has an acid. हमारी body के हर cell में part होता है जिसको हम कहते हैं DNA. सुनो बोल, DNA की full form बताती हूँ मैं आपको. राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए. ये डीएनए का क्या रोल है बच्चे? इट इज प्रेजेंट, डीएनए इज प्रेजेंट इन ईच सेल, इन दी सेल्स of our body. DNA is present in the cells of our body. It maintains our special characteristics. ठीक है, all characteristics बराबर, हमारे सारे characteristics ये DNA ही maintain करता है, यही लेके आता है. अब characteristics कैसे? हमारी look, हमारी height,
हमारे हेयर्स का कलर, हमारा कलर ऑफ अवर आईज यू कैन से, ठीक है। और जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, कई बार छोटा बच्चा होता है, हम कहते हैं ना कि इसकी आईज उसके फादर से मिलती है, इसकी नोज इसकी मदर से मिलती है, आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस, वो सारे स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपसे, जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, दे आर टू बी कैरिड बाय डीएनए। वो डीएनए डिसाइड करते हैं और ये डीएनए हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ अवर बॉडी, इट डिसाइड्स अवर लुक्स, अवर अपीयरेंस एंड ऑल अवर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हेनेवर वी राइट इट्स फुल फॉर्म, तो पीछे मैंने क्या वर्ड लिखा, एसिड। अब ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। अभी दो एसिड जो मैंने आपको पहले बताए थे सेवेंथ क्लास में, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, परहैप्स फ्यू ऑफ यू माइट रिमेम्बर, याद करके एग्जाम्स भी दे दिए थे सबने। तो एक एसिड थे, कौन से थे, एमाइनो एसिड, याद आया। एमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ब्रेक अप टू फॉर्म एमाइनो एसिड्स, अगेन एसिड्स आ गया। ऐसे ही एक और एसिड्स हमने पढ़े थे जब हमने डाइजेशन की थी, फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स किससे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैट्स। तो इट मींस इतने सारे एसिड्स ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है जी। सो देयर आर टू मेनी एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया। फिलहाल हमने एसिड्स को यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, दीज आर एसिड्स। बाद में हम एसिड्स को दोबारा उठाएंगे जब उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने एसिड्स की अभी तक डिस्कस की हैं, अभी तक हमने एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, क्या क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। फर्स्ट कि वो सॉर होते हैं, ठीक है, ये डिस्कस किया ना। सेकेंड, मैंने आपको जब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बताया तो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, इट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वॉटर, पानी में सॉल्युबल है। दे आर सॉल्युबल इन वॉटर, ठीक है। और इसके अलावा बेटे, आपने सिक्स क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था ना, और जब पानी में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हाँ जी गुनीत मैम, ये प्रॉपर्टीज एसिड की है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, थोड़ी सी हम करते हैं, जितनी आपको मैंने समझा दी है उतनी लिखाऊंगी, बाकी का बीएस करने के बाद फिर दोबारा आपको ज्यादा क्लियर, ठीक है। जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पड़ा है ना, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होती। जैसे आपके स्विच बोर्ड है, रबड़ है, प्योर वाटर उसी की तरह से एक्ट करता है। अगर आप प्योर वाटर में पानी की वायर्स, नंगी वायर्स भी फेंक दोगे ना, तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट प्योर वाटर आपको मिलता नहीं, ठीक है। तो एसिड्स, अगर एसिड्स में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, एसिड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इसका एक चीज मैंने अभी अभी आपको बताई कि जितने भी एसिड्स हैं, इन सब में क्या चीज कॉमन है, हाइड्रोजन, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन। तो इसको मैं हाइड्रोजन की बजाय ना हाइड्रोजन आयंस लिख लूं,
शायद आपके बुक में नहीं है बट ये आपके काम बहुत आएगा बेटे। हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं बेटे? जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं ना वो एक चार्ज क्रिएट करते हैं पॉजिटिव। जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं दे ऑल यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज, उसको हम हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। ओके, वी कॉल देम एज हाइड्रोजन आयंस। अब मुझे ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? यू कैन आस्क, नहीं तो हम अब इसको शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एक शॉर्ट ब्रेक देते हैं। आफ्टर वन और टू डेज वी विल कम बैक टू दीस प्रॉपर्टीज। यस पुनीत मैम, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटे गैस है, ठीक है? जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया हाइड्रोजन आयंस, सॉरी कैन यू प्लीज टाइप द वर्ड मैम? जो फोर्थ पॉइंट पे लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयंस, इट इज एच वाई हाइड्रोजन आयंस, IONS, हाइड्रोजन अलग है आयंस अलग, ठीक है? एच पॉजिटिव आयंस होता है। और लक्ष्य बेटी यू आर हैविंग द डाउट, लक्ष्य बच्चे डाउट है? डीएनए इज डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसिड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर कैरेक्टर्स, आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? आपकी आईज का कलर, आपकी हाइट, आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस, इवन स्किन, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ठीक है? तो ये चीजें जिस चीज का जिससे डिसाइड करता है हमारी बॉडी का जो पार्ट, सेल का जो पार्ट डिसाइड करता है, दैट इज जी, ठीक है? मैम ये बाहर से भी मिल सकते हैं कि अंदर ही होता है बॉडी के? ये बेटे हमारी बॉडी के अंदर ही होता है एंड इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये हम पेरेंट्स से अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, ठीक है? राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड, नॉट ऑल बट देयर इज अ ब्रेक, ठीक है? ये हमारे एसिड से, एसिड फॉर टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और उनका एक स्पेशल फीचर होता है दे आर हैविंग हाइड्रोजन विद देम, उसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन आयंस यानी कि एच पॉजिटिव, ठीक है? लक्ष्य इफ योर डाउट इज क्लियर कैन यू प्लीज शो योर हैंड। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट एक चीज मैंने आपको और बताई थी, बेकिंग सोडा, याद है? व्हाट इज बेकिंग सोडा? हमारा नॉर्मली केक्स वगैरह में डल जाता है, बेकिंग सोडा क्या होता है? We used to it in while boiling, ठीक है? जैसे कई बार क्या होता है आप लोग मम्मा को कहते हैं कि मैंने ना चने खाने, व्हाइट वाले चने खाने हैं या राजमा खाने हैं, अभी खाने, तो नॉर्मली आपके मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये वाली जो सीड्स वाले वेजिटेबल्स है ना उनको ओवरनाइट सोक कर देते, एक रात पहले भिगो देते हैं ताकि नेक्स्ट डे वो इजिली बॉइल हो जाए। बट जब आपको इमरजेंसी में करना होता है ना तो आपके मम्मा बॉइलिंग के टाइम पे उसमें एक व्हाइट पाउडर डालते, व्हाइट कलर का पाउडर, आप उसको मीठा सोडा भी कह सकते हो या वॉशिंग सोडा भी कह सकते हो, ऐसे ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा केक्स वगैरह में डलता है। आपके घर पे कोई ना कोई चीज पक्का अवेलेबल होगी, किचन में जाना, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आप उसको टेस्ट करना, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा होता है। एक काम तो ये करना, दूसरा उस पाउडर को जरा सा अपनी फिंगर पे लेके ना एक ड्रॉप वाटर ऐड करके उसको ऐसे से रब करो। जब आप उस पाउडर को, उस बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स पे रब करोगे ना बेटे, व्हाट विल यू फील? यू फील सोपी टच, सोप, जैसे सोप नहीं होता कि आपने साबुन को हाथ लगा लिया, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स दैट आर बिटर इन टेस्ट and soapy to touch,
वी कॉल देम एज बेस. इन सबको हम क्या कहते हैं? बेस. और डेफिनेटली सोपी टच अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो आप में से कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि मैम इसका मतलब जितने भी हमारे सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पूस हैं, क्या वो सारे बेस हैं? यस, दे ऑल आर बेसिस. ठीक है, वैसे ऐसा कोशिश मत करना, लेकिन अगर कभी सोप नहाते टाइम आपके मुंह में चला जाता है तो मुंह कड़वा होता है या नहीं होता, पर प्लीज उसको खाने की कोशिश मत करना because it contains a lot of harmful chemicals, right? So what is the base? Base kya hai? Substances that are bitter in taste, substances which are bitter in taste and have substances which are bitter in taste and have soapy touch are called base. Okay, they are called base, right? Few examples, main kuch examples yahan pe likh rahi hu, aapki book mein di hui hai. सेकेंड पेज पे जहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है ना कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, वहीं पे आपको कुछ बेसिस के बारे में बताया गया है. मोस्ट कॉमन बेसिस कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन बेस जो हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सबसे कॉमन बेस है जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, हमारी लैब में ये सबसे कॉमनली यूज होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस है और इसका फॉर्मूला है NaOH. ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे बेसिस हैं, दो तीन जो आपके बुक में है दैट आई विल टेल यू. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH, पोटेशियम के अलावा नेक्स्ट बेस और कौन सा है? आई थिंक यस, कैल्शियम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेटे मैं हाइड्रोक्साइड दोबारा नहीं लिख रही हूँ, CaOH twice. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice. ठीक है, ऐसे ही एक और दिया हुआ है शायद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका केमिकल फॉर्मूला चलो मैं लिख देती हूँ, आपके बुक में है तो मैं लिख देती हूँ. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बेसिस हैं दैट वी यूज, और इनमें से सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस एक ही है दैट इज NaOH. NaOH को हम बहुत वाइडली यूज करते हैं बेटे. अब आप में से कुछ बच्चों को ये हो गया कि मैम ने इतने सारे फॉर्मूलाज करवा दिए, फॉर्मूलाज को याद करने का एक स्मॉल मेथड बताती हूँ. हाइड्रोक्साइड मीन्स OH. देखो हर एक बेस में OH है. OH कॉमन है कि नहीं है? इन ईच एंड एवरीथिंग OH इज देयर. और OH क्या है? OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हाइड्रोक्साइड, दे आर हाइड्रोक्साइड OH. अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH. पोटेशियम का होता है K, तो बन गया KOH. कैल्शियम का Ca, CaOH. मैग्नीशियम का Mg. अब सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम में मैम ने 2 डाला है. एमोनियम का बेटे NH3 ही होता है. ठीक है,
अमोनियम का NH3 ही होता है क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ओके अब बताइए किसी को कोई डाउट है. दीज आर द फ्यू कॉमन बेसिस विच वी यूज. यस लक्ष्य. हाँ जी बेटा. मैम आप क्या कह रहे थे कि हम डीएनए अपने पेरेंट्स से लेते हैं? सॉरी हाँ, पेरेंट्स जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हैं. ठीक है, जब बेबी ग्रो होता है ना तो बेबी बनने के टाइम पेरेंट्स या. हाँ जी आर्यन. लक्ष्य बेटे आपकी तरफ से ना थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है. हाँ जी आर्यन पहले आप पूछिए. मैम आपने अभी जो भी कराया ये आप जो चैनल पे वो डालोगे? बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ना लाइट गई है तो नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है. वही बात है. आई एम गोइंग टू ऐड द रिकॉर्डिंग आल्सो. रिकॉर्डिंग चल रही है, आई विल डेफिनेटली शेयर. ठीक है, थैंक यू. आई कांट गिव यू अ टाइम कि किस टाइम शेयर कर पाऊंगी, बट बाय टुडे आई विल डेफिनेटली शेयर. यस. हां जी लक्ष्य. अच्छा तक आप सबको क्लियर हो गया टॉपिक. तो अब तक हमने बेसिकली क्या किया है, अब तक हमने एसिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किया है. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट. बेसिस का कैसा होता है? बिटर. ठीक है. एसिड्स जो होते हैं दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन बी करोसिव. बेसिस दे आर ऑलमोस्ट सोपी टू टच. चलो आज मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ, ट्राई करना. शायद आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा. खाना खाते टाइम कई बार हम लोग अपने कपड़ों पे खाना गिरा लो, कभी ना कभी तो गिरे ना. आपने आज क्या काम करना है, किचन में आप सबके पास हल्दी है, टर्मरिक सबके पास होगी ना. करना क्या है, उस टर्मरिक थोड़ी सी ले लेना, उसमें जरा सा पिंच वन स्पून से वन स्मॉल स्पून पानी मिला के उसका पेस्ट सा बना लेना. उस पेस्ट को किसी कपड़े पे लगा दो, मतलब आपने किसी कपड़े पे हल्दी लगा दी और उसको थोड़ा सा सूखने देना कि मतलब पेस्ट अच्छे से लग जाए, हल्दी का दाग पड़ जाए उस कपड़े पे. ठीक है. और उसके बाद उसको सोप से रब करके देखना कि क्या उसके ऊपर. पानी से धोते हो ना कि मम्मा को पता ना चल जाए तो पानी में पानी लगा के उसके ऊपर साबुन लगा के धोने की कोशिश करते हो ना. आज आपने ये चीज करनी है और जो भी चेंजेस होंगे ना वो मुझे कल आप बताओ. ठीक है. हल्दी का जो दाग है उसके ऊपर साबुन लगाना, फिर आप मुझे बताना कि मैम इसमें ये चेंज हुआ था. देन आई विल लेट यू नो कि ये चेंज क्यों. ठीक है. तो बेसिकली हमने आज क्या किया, हमने एसिड्स किया, बेस क्या होता है वो बताया और कुछ कॉमन बेसिस बताया. इसके अलावा जब हमने कल एक लिस्ट बनाई, ठीक है, उसमें कुछ और चीजें भी जैसे शुगर, सॉल्ट, जिनका अलग अलग टेस्ट होता है. खट्टी चीजों में पता चल गया एसिड, कड़वी चीजों में बेस. तो बाकी चीजों में क्या है, बाकी चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्रल मीन्स. न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, उनका हमारी बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं होता. न्यूट्रल चीजें होती है सारी. न्यूट्रल मीन्स जिनका हमारी बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ना एसिडिक ना बेसिक. राइट. सब्सटेंसेस. व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस that are neither acidic nor basic substances that are neither acidic nor basic are called neutral substances. ठीक है. Substances that are neither acidic nor basic, they are called
न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी आती है बच्चे? सबसे पहले तो प्योर वाटर। अगर आप बिल्कुल प्योर वाटर लेते हो ना, वो ना तो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। देन ग्लूकोज, ग्लूकोज इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर ऑल्सो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सॉल्ट, ये सारी चीजें जो है आपकी ये न्यूट्रल होती है, ये एसिडिक बेसिक नहीं है। ठीक है, अब सपोज ओके बेटे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? दी सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वाटर, अकेला वाटर मत लेना, प्योर वाटर ले, प्योर वाटर, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये प्योरली न्यूट्रल होती है। ठीक है, आई थिंक बच्चे टाइम इज रनिंग आउट, हार्डली आई थिंक 1 मिनट इज लेफ्ट, तो मैं आगे नहीं आपको करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक एक्टिविटी आप लोगों को दी है, मीन्स आपने कोई कपड़ा लेना है, उसके ऊपर हल्दी का दाग लगाना है और उसको साबुन से रब करके वॉश करने की कोशिश करनी है। और जो भी आप ऑब्जर्व करो, एनी चेंज, चाहे उसका कलर चेंज हो रहा है या व्हाटसोएवर यू आर ऑब्जर्विंग, आप सबने वो चीजें कल डिस्कस करनी है क्लास में। ठीक है, और अब मैंने आपको एसिड बता दिया, बेस बता दिया और वॉटर बता दिया, तीन चीजें हैं। मान लो एक ग्लास में मेरे पास एसिड है, एक में बेस है और एक में सिंपल पानी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आपको एक हिंट देती हूँ। एक ग्लास में ले लो लेमन जूस या विनेगर, सिरका होता ना, सिरका ले लो एक गिलास में, एक गिलास में बेकिंग सोडा घोल के ले लो, सिंपल होता है। और तीसरे ग्लास में सिंपल पानी ले लो। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हो किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें क्या है? नहीं ना बता सकते, सिर्फ देखने से हम नहीं बता सकते। तो आप में से क्या ऑल्टरनेटिव है, या तो आप उसको टेस्ट करोगे या टच करोगे, ऐसा ही कुछ होगा ना। बट दीज आर दी प्रिकॉशंस, आपकी बुक में दी हुई है प्रिकॉशंस, बुक में नहीं बबल बना हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है। तो व्हाट आर दी प्रिकॉशंस, स्पेशली लैब में आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? केमिस्ट्री लैब में डू नॉट टच एनीथिंग अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपने किसी चीज को टच नहीं करना, और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जब तक आपको बोला ना जाए कि इसको टेस्ट करके देखो इसका टेस्ट कैसा है, बिकॉज दे कैन बी हार्मफुल। ठीक है, ये आपकी बुक में एक बबल में दिए हुए क्वेश्चन, तो एक बार उसको राइट। तो दैट इज ऑल, कल हम इसी में आगे टॉपिक शुरू करेंगे इंडिकेटर्स की। अगर हमारे पास तीनों चीजें अलग अलग है तो हमने उनको कैसे पहचानना है, क्या क्या चीजों की हेल्प से हम उनको पहचान। ठीक है, now you can take the queries and else we will end the class. Yes, Lakshya? Ma'am, कौन सी activity करते हैं? एक बार फिर से बता दो।